उद्धव बोले, चुनाव से पहले सीएम का ऐलान हो। कहा, पवार साहब और कांग्रेस जिसका नाम तय करेंगे उसका समर्थन करूंगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार 16 अगस्त को कहा कि चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान होना चाहिए। पवार साहब और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज जिसे भी सीएम बनाएंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान जल्द कर दे, हमारी पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र सरकार बहनों को 1500 रुपए देने का ऐलान कर रही है, लेकिन इनकी योजनाओं का प्रचार करने के लिए 10,000 रुपए खर्च कर रही है। सरकार गिराने के लिए 50 खोखे और लड़की बहन को 1500 रुपए। दरअसल महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसे लेकर ही एमवीए की आज मीटिंग हुई। इसमें एनसीपी शरद गुट के चीफ शरद पवार और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान भी शामिल हुए थे। कोरोना के समय हमने काफी काम किया, इसलिए मुस्लिम हमारे साथ आए। एनआरसी और सीएए के दौरान मुस्लिम के मन में भय था, लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि देश को जो प्रेम करेगा उसे जाने नहीं दूंगा, इसलिए मुस्लिम साथ आए। मोदी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के साथ बैठते हैं तो क्या मान लिया जाए कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है? वक्फ बोर्ड ही नहीं, हिंदुओं के मंदिर के मामले में भी जेपीसी और जांच होनी चाहिए। मराठा आरक्षण के मामले में आप लोकसभा में बिल लाइए, हम समर्थन करेंगे। भले ही उन्होंने हमारा धनुष बाण चुराया, लेकिन उन्हें जलाने के लिए मैंने मशाल जलाई है। 7 अगस्त को एमवीए की बैठक हुई थी, जिसके बाद विजय वडेटीवार ने गठबंधन की आगे की योजना शेयर की थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि एमवीए सहयोगी पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कॉमन मैनिफेस्टो, फॉर्मूले और आगे की कार्य योजना पर चर्चा की। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान की अगुवाई में कॉमन मैनिफेस्टो पर काम चल रहा है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे 6 से 8 अगस्त तक दिल्ली के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने आईएनडीए ब्लॉक के नेताओं से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव का ये पहला दिल्ली दौरा था। हालांकि पार्टी प्रवक्ता सांसद संजय राउत ने बताया कि ये संवाद दौरा था। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों का विधानसभा चुनाव में टिकट कटना लगभग तय है। रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी नए चेहरों को मौका देगी, हालांकि कांग्रेस की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। टिकट कटने वाले विधायकों में सुलभा खोटके, जीशान सिद्दीकी, हीरामन खोसकर, जितेश अंतापुरकर, मोहन हम्बर्डे शामिल हैं। एमएलसी के चुनाव में कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर सामने आई थी। 12 जुलाई को हुए एमएलसी चुनाव में एनडीए ने 11 में से 9 सीटें जीती थीं, वहीं आईएनडीआई ब्लॉक के 3 में से 2 ही जीत सके। चुनाव में जीत के लिए एक कैंडिडेट को 23 विधायकों के वोट चाहिए थे। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक देनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं, तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने।